प्रदेश भर में इस बार होने वाले पंचायती चुनाव बेहद अलग और अनोखे होने वाले हैं, क्योंकि इन चुनाव में मतदाता मतदान करने शायद स्वर्ग से आने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरों में आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ये मतदाता सूची भी कह रही है, क्योंकि सूची में कई नाम ऐसे शामिल हैं जो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायत समिति जिला परिषद प्रक्रिया के प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है, जिसमें सबसे बड़ी खामी है कि मृतक लोगों को मतदाता बनाया गया है। वहीं इस मसले पर बल्लभगढ़ खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में शिकायत लगातार मिल रही थी। हमने अपने सभी पंचायत सचिवों को पत्र लिख दिया है कि मतदाता सूची में मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएं। जो मतदाता सूची में मृतकों के नाम शामिल होने वाले शिकायत दूरभाष पर मुझे मिली, उसके बारे में मैंने तुरंत खंड कार्यालय में पत्र जारी कर दिया है। फिर भी मेरे खंड तिगांव और बल्लभगढ़ के लोगों से अनुरोध है कि वो जिनके किसी भी गांव में अगर कोई मृतक मतदाता का नाम दर्ज है तो कृपया खंड कार्यालय को सूचित करें, ताकि समय रहते उसकी दुरुस्ती की जा सके। ये मेरा निवेदन है सभी क्षेत्रवासियों से। बीटीएफ साहब, देखा जाता है अक्सर जब चुनाव का समय होता है तो फर्जी वोटें जो हैं वो लगातार डाली जाती हैं, जिनके चलते बूथों पर जो है वो झगड़े भी होते हैं, खूनी संघर्ष भी जो लगातार होता है, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? नहीं, अब की बार फर्जी ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि पहले दो मतदाता सूची होती थी, पंचायत की अलग और विधानसभा की अलग। अब की बार केवल और केवल विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार ही मतदान होगा, उससे अलग कुछ नहीं। लगभग सागरपुर गांव के अगर माना जाए तो 12 के करीब जो एक दर्जन से ऊपर लोग हैं मृतक, उनके नाम दर्ज किए गए हैं, क्या उनको काटा जाएगा? नहीं, मुझे आपने बताया है, जो भी कानून प्रक्रिया होगी उन्हें काटने की वो अमल में लाई जाएगी। आप बेफिक्र रहें, चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाएंगे। अधिकारी की ओर से एक सप्ताह में ये काम पूरा करने के लिए कहा गया है। अगर फिर भी ऐसे मतदाता के नाम सूची में रह गया है तो संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान ऐसे ही मतदाताओं के नाम पर फर्जी मतदान होने की आशंका रहती है, जिस कारण झगड़े हो सकते हैं, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। बल्लभगढ़ से अमित चौधरी, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।